बजते ही सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे। तभी सुहासिनी नाम की एक स्टूडेंट ने प्रिया नाम की एक स्टूडेंट का रास्ता रोक दिया और क्लास का दरवाजा बंद करने लगी। मुझे अंदर आने दो, मेरे हाथ में बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। मैम ने मुझे संभाल कर उन्हें टेबल पर रखने को कहा है। अरे खोल देना सुहासिनी, क्यों उस बेचारी को तंग कर रही है? ऐसे कैसे खोल दूं? कल टेस्ट में जब मैंने इसे बोला मुझे चीटिंग करनी है, मेरे बैग से किताब निकाल दे, ये मेरे बैग के बराबर में ही बैठी थी, मैम को पता भी नहीं चलता, ये मुझे चुपचाप किताब दे सकती थी। सुहासिनी, चीटिंग करना बुरी बात होती है, इसीलिए मैंने उस समय तुम्हारी मदद नहीं की। पर अभी तुम जो ये कर रही हो ये तो गलत है ना? मैं कितनी देर से मैम की रजिस्टर पकड़कर खड़ी हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है, दरवाजा खोल दो। क्या बात है प्रिया, अभी तक तुम मेरे रजिस्टर रखकर सीट पर नहीं बैठी? अरे ये तो टीचर जी की आवाज है, जल्दी से दरवाजा खोल देती हूँ। प्रिया टीचर की डांट को सुनकर हड़बड़ाहट में सारे रजिस्टर्स जमीन पर गिरा देती है। इतनी ही देर में सुहासिनी भी दरवाजा खोल देती है। पूर टीचर जी सुहासिनी। मैम मैं तो बहुत देर से बोल रही थी कि रजिस्टर आपकी टेबल पर रख दे, पर ये है कि मेरी सुनती ही नहीं है। मैम मैं अभी आपके सारे रजिस्टर उठाकर रख देती हूँ। प्रिया एक गरीब बिहारी मजदूर की बेटी थी। गांव में उसके पिता बहुत ही गरीब थे, जबकि सुहासिनी के पिता गांव के बड़े सेठ थे। इसीलिए सुहासिनी को अपने पैसे पर बहुत घमंड था और वो प्रिया को बहुत गरीब समझती थी। प्रिया को जब उसके टीचर ने डांटा तो वो उदास हो गई। पर कुछ देर बाद प्रिया की टीचर ने जो बात कही उसे सुनकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्चों, वार्षिक स्कूल मेहंदी कंपटीशन होने वाला है, जो भी बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दें। मैम मेरा नाम लिख लीजिए। मैम मेरा भी। ऐसे ही बहुत से बच्चों ने नाम लिखवाया, जिसमें प्रिया भी थी। प्रिया को मेहंदी कलाकारी का हुनर अपनी दादी से विरासत में मिला था। उसके हाथों में एक अनोखा जादू था, एक जादू जो साधारण मेहंदी को लुभावने और बेहतरीन डिजाइन में बदल सकता था। प्रिया चाहती थी कि वो मेहंदी कंपटीशन में भाग ले, इसलिए प्रिया ने भी अपना नाम लिखवा दिया। अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ, ये कंपटीशन तुम नहीं मैं जीतूंगी, तुम बेकार में ही अपना नाम लिखवा रही हो। अभी तो कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ है, फिर तुम इसका रिजल्ट कैसे ले सकती हो? पहले कंपटीशन शुरू तो होने दो। प्रिया घर आकर अपनी माँ को इस बारे में बताती है, पर वो थोड़ी उदास थी। देखो बेटी, तुम अपना मन उदास मत करो, जीतना या हारना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अपना सर्वश्रेष्ठ देना, समझी? तुम्हारे पास बहुत अच्छा में है जो तुम्हारी दादी के सिखाए हुनर को पहचान देगा, और मैं जानती हूँ कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ ही इस कंपटीशन में दोगी और किसी की बातों को सुनकर अपना मन खराब नहीं करोगी। ठीक है माँ, अब मैं इस कंपटीशन में पूरे मन से भाग लूँगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। प्रिया भी सभी स्टूडेंट्स के साथ वार्षिक स्कूल मेहंदी कंपटीशन में भाग ले रही थी। ये उसके लिए सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, ये चमकने का मौका था, खासकर अपनी प्रतिद्वंदी सुहानी के खिलाफ, जो स्कूल की सबसे अमीर लड़की थी। प्रिय छात्रों, याद रखें, ये मेहंदी कंपटीशन जीतने या हारने के बारे में नहीं है, ये अपनी प्रतिभा दिखाने के बारे में है। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे इस कंपटीशन में अपना सर्वश्रेष्ठ मेहंदी डिजाइन प्रस्तुत करें। कंपटीशन शुरू किया जाए। जैसे ही कंपटीशन शुरू हुआ, स्टूडेंट्स ने मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। उनके हाथ धीरे धीरे सुंदर पैटर्न से सजने लगे। सभी बच्चे अपने अपने पार्टनर स्टूडेंट को मेहंदी लगाने लगे, पर कोई भी स्टूडेंट प्रिया से मेहंदी नहीं लगवा रहा था। प्रिया एक बार फिर से उदास हो गई। अरे देखो देखो, इस गरीब मजदूर को कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा।
कैसा मजाक है सुहासिनी, तुम अपने साथ की किसी स्टूडेंट का मजाक कैसे उड़ा सकती हो। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार देखा है कि तुम प्रिया को बहुत तंग करती हो। अगर तुम अभी भी नहीं सुधरी तो मुझे प्रिंसिपल मैडम से इस बारे में बात करनी होगी। राधिका बेटा इधर आओ, तुम प्रिया से मेहंदी लगवाओ बेटा। जी मैडम। मेहंदी कॉम्पिटिशन घंटों तक चलता रहा। सब अपनी अपनी मेहंदी लगा चुके थे पर अचानक सुहासिनी रोने लगी। उसकी सहेली ने लगी लगाई मेहंदी को खराब कर दिया। असल में जैसे ही सुहासिनी ने अपनी मेहंदी पूरी की, स्टूडेंट का हाथ एक मेज पर लग कर गलती से उसका डिजाइन बिगड़ गया। सब बच्चों की मेहंदी देखने के लिए जज स्टेज से उतर चुके थे। वो एक एक करके बच्चों के पास जाकर मेहंदी देख रहे थे। सुहासिनी घबरा रही थी। ओ सॉरी सुहासिनी, पता नहीं मेरा हाथ कैसे हिल गया। अब तुम ये कॉम्पिटिशन नहीं जीत पाओगी। सभी जज और प्रिंसिपल मैडम स्टेज से नीचे आ चुके हैं। अब मैं क्या करूं? सुहासिनी रो मत, मैं रीमा की मेहंदी ठीक कर दूंगी। रीमा अपना हाथ लाओ। प्रिया तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं तो हमेशा तुमसे लड़ती हूँ, तुमसे ईर्ष्या करती हूँ, फिर भी। माँ कहती है हमें हमेशा मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं रीमा की मेहंदी ठीक कर रही हूँ ताकि तुम भी ये कॉम्पिटिशन जीत सको। प्रिया थोड़ी ही देर में रीमा की मेहंदी बिल्कुल ठीक कर देती है। अब ये लग ही नहीं रहा था कि उसकी मेहंदी कहीं से भी बिखरी है। अब तक प्रिंसिपल मैम और सभी जज ये सब देख चुके थे। उस समय भी वो कुछ नहीं बोले। सबकी मेहंदी देखकर प्रिंसिपल मैम और जज स्टेज पर आकर बैठ जाते हैं। पर मन ही मन सब यही सोच रहे थे कि प्रिया कितनी अच्छी बच्ची है जो उसने सुहासिनी की मुसीबत में सहायता की। प्रिया ने तो मेरी मेहंदी बिल्कुल ठीक कर दी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपटीशन में कोई भी स्थान प्राप्त कर पाऊंगी। मेहंदी कंपटीशन की प्रथम विजेता है छठी कक्षा की प्रिया सिंह। पहला पुरस्कार प्रिया सिंह को जाता है और दूसरा पुरस्कार मेघा को जाता है। देखा रीमा, मैं नहीं कहती थी कि मुझे कोई भी पुरस्कार नहीं मिलेगा। तीसरा पुरस्कार, एक सेकंड, मुझे लगता है एक नाम और है। बच्चों यहाँ प्रथम पुरस्कार दो निकले हैं क्योंकि प्रिया सिंह के साथ साथ सुहासिनी ठाकुर की लगाई हुई मेहंदी भी बहुत सुंदर है। एक बार जोरदार तालियों से मेहंदी कंपटीशन के प्रथम विजेताओं को सम्मानित किया जाए और तीसरा पुरस्कार रानी को दिया जाता है। प्रिया सिंह, सुहासिनी ठाकुर, रीमा और मेघा, ये सभी बच्चे स्टेज पर आ जाए। सुहासिनी ने जब सुना कि वो भी प्रिया के साथ प्रथम आई है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरा हॉल तालियों से भर गया। प्रिया ने ये साबित कर दिया कि दौलत और रुतबे का प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं है। पुरस्कार मिलने के बाद सुहासिनी ने प्रिया को गले से लगा लिया। प्रिया तुम बहुत अच्छी हो और बहुत संस्कारी भी हो। आज तुमने सुहासिनी की मदद की, उसे अपने साथ साथ प्रथम पुरस्कार का विजेता भी बनाया। ये बात हम भी जानते थे और स्कूल की प्रिंसिपल मैम और जज भी। सुहासिनी सुंदर मेहंदी लगाती है पर रीमा की बिगड़ी हुई मेहंदी के बाद शायद ही उसे कोई पुरस्कार मिल पाता अगर प्रिया तुम मदद ना करती तो। ये बात अच्छे से सुहासिनी भी जानती है। क्यों सुहासिनी? मैम, मैं वादा करती हूँ मैं अब कभी भी प्रिया से नफरत नहीं करूँगी। हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ बनकर रहेंगी। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। प्रिया और सुहासिनी दोनों खुशी खुशी अपने घर पुरस्कार लेकर जाती हैं। उस दिन के बाद से कभी भी सुहासिनी ने प्रिया के साथ गलत व्यवहार नहीं किया और वो दोनों अब अच्छी दोस्त बन गई थी। विक्रम अपनी बीवी अनामिका से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। अनामिका कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे आई आई, बस 5 मिनट रुकिए। इतना बोलकर अनामिका फटाफट अपना किचन का काम खत्म करके बाहर आ जाती है।
जहाँ वो देखती है कि विक्रम उसके लिए डायमंड का नेकलेस लेकर आया था। हैप्पी एनिवर्सरी माय ब्यूटीफुल वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी विक्रम, ये तो बहुत अच्छा नेकलेस है, मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। अच्छा तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर अनामिका किचन में चली जाती है और एक केक लेकर बाहर आती है। अपना फेवरेट चॉकलेट केक देखकर विक्रम बहुत खुश होता है और अनामिका से कहता है, मेरा फेवरेट चॉकलेट केक, सच में तुम जैसा केक शायद ही कोई बना सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो यहाँ पर और जितनी भी बेकरी की दुकान है वो नहीं चलती। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी ही दुकान सबसे ज्यादा क्यों चलती है। मुझे नहीं पता, वैसे तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता। अब इस बहस को हम यहीं खत्म करते हैं और अपनी शादी की सेकेंड एनिवर्सरी का केक काटते हैं। इस तरह से अनामिका और विक्रम अकेले ही अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। अनामिका की अपनी एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी, तो वहीं विक्रम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विक्रम के साथ उसका दोस्त अखिल घर आता है। हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, पर मेरी बीवी बिजनेस कर रही है, उसका खुद का अपना छोटा सा बेकरी शॉप है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। विक्रम, ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं, आप लोग खाना खा लीजिए, मैंने अपनी स्पेशल पेस्ट्री बनाई है, उसे खाना खाने के बाद जरूर बताना कि ये कैसी बनी है। क्या हमें खाना खाने से पहले पेस्ट्री नहीं मिल सकती भाभी? नहीं। इतना बोलकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह से वो लोग हंसी मजाक करके खाना खाते हैं। अब अखिल के जाने का समय हो चुका था और जाने से पहले अखिल अनामिका और विक्रम से कहता है, भाभी अगले महीने मेरी शादी है, क्योंकि मेरी शादी गांव से है इसलिए मैं आप लोगों को एक महीने पहले ही बता रहा हूँ, और विक्रम तुझे मेरे साथ ही गांव चलना होगा मेरी शादी में। अरे यार, तू तो मेरी जान है, तू कहे तो मैं तेरे से पहले ही बिहार पहुँच जाऊँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर अखिल विक्रम को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और विक्रम अखिल के साथ बिहार जाने के लिए अपनी तैयारियाँ करने लगता है। अनामिका, मेरा सारा सामान पैक तो हो गया है ना? अरे हाँ हाँ, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है, बस आप वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना। मेरा दोस्त है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तुम बिल्कुल भी फिकर मत करो, बस तुम अपना भी ख्याल रखना। इतना बोलकर विक्रम अखिल के साथ बिहार चला जाता है। बिहार जाकर विक्रम अखिल की शादी में खूब मजे करता है। मैंने जितना सुना था उससे काफी अच्छा है बिहार, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी हुई कि तुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। अच्छा अब जाकर जल्दी से तैयार हो जा, कुछ ही देर में बारात निकलने वाली है। क्योंकि मैं दूल्हा हूँ इसलिए मुझे भी जाने दे यार तैयार होने के लिए। इतना बोलकर अखिल अपनी शादी के लिए तैयार होने जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद विक्रम बारातियों के साथ जाता है, जहां शादी में मुरली नाम के एक व्यक्ति की नजर विक्रम पर पड़ती है। अरे भाग्यवान, देखो दूल्हे के साथ वाला लड़का कितना स्मार्ट है, कितना अमीर लग रहा है और बहुत नेक भी है। हमारी बेटी की शादी के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही लड़का तो चाहिए था, दूसरों की तरह लालची नहीं। क्यों ना इसको अगवा करके अपनी बेटी की शादी इससे करवा दी जाए। भला इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? इसमें हमें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और हमारी बेटी को भी एक अच्छा ससुराल मिल जाएगा। वैसे तो मुरली एक अच्छे घराने से था, पर उसकी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी नीली नीली आँखें, गुलाब की तरह लाल होंठ
और बहुत ही लंबे घने बाल थे और साथ ही वो आम लड़की नहीं थी बल्कि एक परी थी, जिस वजह से सभी लोग उसकी बेटी सिंड्रेला की सुंदरता और जादुई शक्तियों की वजह से उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक नेक लड़के की खोज थी। साथ ही साथ मुरली एक कंजूस इंसान था जो शादी में दहेज नहीं देना चाहता था। बस यही वजह थी कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। फिर मुरली अपने गुंडों को भिजवा कर विक्रम को अगवा करवा लेता है। कुछ देर बाद जब विक्रम की आँख खुलती है तो वो खुद को मुरली के पास पाता है। अरे अरे कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लेकर आए हो, और ये मेरे बगल में बैठी लड़की कौन है? नमस्कार दामाद जी, हम आपके होने वाले ससुर हैं और आपके बगल में जो बैठी है वो हमारी बिटिया है सिंड्रेला, जिससे आपकी शादी होने वाली है। अरे पंडित, तुम क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो। ये कैसी बदतमीजी है, बिना मेरी मर्जी के तुम मेरी शादी इस लड़की से कैसे करवा सकते हो? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पंडित जी, वो जो बोल रहा है बोलने दो, तुम मंत्र पढ़ो, ये शादी तो होकर ही रहेगी। इस तरह से जबरदस्ती विक्रम की शादी सिंड्रेला से करवा दी जाती है और बेचारा विक्रम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी शादी होने के बाद मानो जैसे विक्रम टूट ही जाता है। तुम्हारे घर वालों ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया, तुम जानती हो मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, पर तुम लोगों की वजह से अब मैं उसके सामने भी नहीं जा सकता, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैं उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हारे माफ़ी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। ऐसा मत कहो मेरे घर वालों के लिए, और मेरे घर वालों ने ये सब इसीलिए किया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ और मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अमीर से अमीर लोग मुझसे शादी करना चाहते थे, पर मेरे माता पिता को मेरे लिए एक नेक और ईमानदार लड़के की खोज थी। दरअसल सच ये है कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ, मैं उन्हें एक मंदिर के बाहर मिली थी और मैं एक परी हूँ। साथ ही मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी हैं, जिस वजह से सभी मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, और तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे झेलने की। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुमने मुझे अभी छोड़ा तो मेरे घर वाले तुम्हें वैसे भी मार देंगे, इसीलिए तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो और अपनी बीवी को मेरे बारे में मत बताना। तुम मुझे वहीं छोड़ देना, मैं अकेले ही रह लूँगी और कुछ इंतजाम कर लूँगी अपने लिए। उसके बाद सिंड्रेला उसे अपना परी वाला रूप दिखाती है, जिसे देखकर विक्रम डर जाता है। अरे आप डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। सिंड्रेला की बात सुनकर विक्रम का गुस्सा शांत हो जाता है। अब विक्रम सिंड्रेला को अपने साथ लेकर जाता है और स्टेशन पर आकर उसे खुद से ही अलग होने को कहता है। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जानती हूँ, तुम अपनी बीवी के पास जा सकते हो। इतना बोलकर सिंड्रेला जैसे ही विक्रम को छोड़कर जाने लगती है कि तभी एक गुंडा आकर उसके बैग को छीनकर ले जाता है और बेचारी सिंड्रेला कुछ भी नहीं कर पाती। सिंड्रेला की लाचारी देखकर विक्रम सब कुछ समझ जाता है कि ये जगह सिंड्रेला के लिए ठीक नहीं है। अब विक्रम ना चाहते हुए भी सिंड्रेला को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करता है। क्या, तुम्हारे घर? और तुम अपनी बीवी से क्या कहोगे? देखो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, और रही मेरी बीवी की बात तो मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा, मैं जानता हूँ वो मुझ पर विश्वास जरूर करेगी। अब विक्रम सिंड्रेला को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ अनामिका अपनी सौतन को देखकर हैरान हो जाती है। फिर विक्रम अपनी सारी लाचारी अनामिका को बताता है।
पर अनामिका उसकी एक नहीं सुनती। आप मेरे लिए बिहार से सौतन लेकर आए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी परिस्थितियों को समझूं। आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ऐसा नहीं है, विक्रम बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली। तो विक्रम, तुमने अपनी दूसरी बीवी को इतना अधिकार दे दिया कि वो अब हमारे बीच बोले। अनामिका, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ और मैं सिंड्रेला को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका इस शहर में कोई भी नहीं है। आखिर ये अकेली कहाँ जाती? कुछ दिनों बाद मैं इसे तलाक दे दूँगा और इतने दिनों में इसके रहने का बंदोबस्त भी कर दूँगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा मिस्टर विक्रम, तुमने मुझे जितना बेवकूफ बनाना था तुमने बना लिया। अब मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाली। सही कहती थी मेरी माँ, तुम मेरे लायक ही नहीं हो और वैसे भी मैं तुम्हें खुद छोड़ने वाली थी क्योंकि मुझे कोई और मिल गया है जो कि तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। चलो अच्छा ही हुआ तुमने भी शादी कर ली, अब तुम अकेले तो नहीं रहोगे। क्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे साथ पैसों के लिए रहती थी, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, क्योंकि पैसे के बिना भी भला कोई जिंदगी होती है? और हाँ, उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ी केक की दुकान भी खोली है। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। इस तरह से अनामिका विक्रम को धोखा देकर उसकी बात को बगैर समझे उसे छोड़कर चली जाती है, पर सिंड्रेला उसका साथ देती है और उसे संभालती है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अपनी जादुई शक्तियों से उसकी सारी इच्छा भी पूरी करती है। इस तरह से विक्रम समय के साथ साथ अनामिका को भूल जाता है और सिंड्रेला से प्यार करने लगता है। इसके बाद विक्रम अपनी दूसरी बीवी सिंड्रेला परी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।